pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है 25 मार्च 2020 और मोदी जी ने कल अनाउंस कर दिया कि कल रात 12 बजे से 21 दिन के लिए फुल लॉकडाउन है इंडिया। तो आप लोग घर में रहिए गाइस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर में रहने का कोशिश कीजिए। और मैं अभी जस्ट उठा हूँ और मैं आज के दिन शूट करने वाला हूँ अपना। लाइक आप क्या क्या कर सकते हो आज के दिन, छुट्टी के दिन आप इंजॉय करो, घर में रहो और सबसे ज़रूरी चीज़ आप खुश रहो, आप स्ट्रेस ना लो घर में रह के। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो फिर वो जिसको नहीं भी है उसको भी हो जाएगा। द मेन थिंग इज़ दैट यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस, यू जस्ट हैव टू बी नॉर्मल, जस्ट इंजॉय योरसेल्फ, लिसन टू म्यूजिक, चिल, वॉच फिल्म्स। आप लोग बहुत टाइम करते थे, टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, अब देखो फिल्म्स क्यों नहीं देख रहे हो, अब घर से बाहर निकल रहे हो। बहुत लोग तो जनता कर्फ्यू के दिन, जो मोदी जी ने बोला था 5 मिनट थाली या जो भी है घंटी बजाने के लिए, बट यार लोगों ने तो इसको समझा ही नहीं। लाइक मोदी जी ने बोला था मैन सोशल डिस्टेंसिंग, अपने घर के आगे आके बालकनी में आके बजाना है, यहाँ लोगों ने तो रैलियाँ निकालना शुरू कर दिया। अरे भाई सुधर जाओ, चाइना और इटली का हाल देखो क्या है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग करो और अपने आप को सुरक्षित रखो और हम लोग को भी सुरक्षित रखो और पूरे देश को सुरक्षित रखो। थाली घंटी बजाने के बाद लोगों को लगा कि कोरोना वायरस को मैंने हरा दिया, ये आपकी गलत फहमी है। वो उन लोगों के लिए था जो पुलिसकर्मी हैं, जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं। तो गाइस मेरा ये कहना था सिंपल लैंग्वेज में कि आप लोग घर से ना निकलो। प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर बच्चों की तरह समझाया है हम लोगों को, यार उनकी तो बात सुनो कम से कम। तो इन सब बातों को दूर रखते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। तो देखता हूँ क्या क्या आपको आज दिखा सकता हूँ मैं, आपको मज़ा आएगा। और वीडियो को अंत तक देखिए और इन्जॉय कीजिए, यही करना है। आप घर में रह के वीडियोज़ देखिए, आपको इस वीडियो में एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि कब कब हम सैनिटाइज़र, सोप वगैरह वगैरह यूज़ कर सकते हैं और किन किन जगहों पे हमें यूज करना चाहिए। तो गाइस चलते हैं और एंजॉय करते हैं आज का दिन। अभी चलता हूँ नीचे किचन में, देखता हूँ क्या क्या है। और दीदी ने आज खाना बना दिया था, ब्रेकफास्ट बना दिया था, दीदी कल से ना मिले तो खुद ही बनाना पड़ेगा। क्या दीदी कल से नहीं आओगे आप? आ जाना ब्रेकफास्ट एटलीस्ट बना देना, मना किया गया है तो एकदम घर में रहो ताकि दूसरे का भी सेफ्टी हो आपका भी सेफ्टी। दही तो आई थिंक ठंडा खाने के लिए मना किया है। Five hours later. 9 बजे ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं सो गया और अभी 3 बजे मेरा नींद खुल रहा है। काफी लंबा सोया मैं आज और अभी टाइम है लंच का और देखते हैं आज लंच में क्या क्या है। इसमें चावल, इसमें भुंजिया, इसमें दाल और सब सॉस वगैरह, इसमें चटनी एंड इसमें सलाद। तो बाकी जो सर हैं उन लोगों ने खा लिया है और मैं अभी खाने जा रहा हूँ। ये हालांकि ये प्लेट धुला हुआ है बट फिर भी मैं एक बार जाके इसको धुलता हूँ।
step beyond our door. Oh, and if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. तो गाइज यार आप लोग बताओ, आप लोग रूम में बैठ के क्या कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं या तो टिकटॉक बना रहा हूँ, या तो यूट्यूब बना रहा हूँ, या कुछ एक दो एविएशन की बुक पढ़ रहा हूँ। मैंने दो टिकटॉक वीडियो भी बनाया आज, सॉरी तीन टिकटॉक वीडियो बनाया रूम में ही। और अच्छा, टिकटॉक का आईडी मैं यहाँ पे दे दूंगा, अगर आप लोग उसको भी चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, मैं टिकटॉक पर भी वीडियो बनाता हूँ। तो अभी बज चुका है 7 और मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा टीवी देखने, थोड़ा न्यूज़ देखने क्या चल रहा है। जनरली मैं उतना न्यूज़ देखता नहीं हूँ, बट कभी कभी देख लेता हूँ। तो अभी जा रहा हूँ, टीवी खोलूँगा तो एक दो गाने वगैरह न्यूज़ वगैरह सुनूँगा, फिर इसके बाद डिनर होगा, चलते हैं अभी। सो गाइस, टीवी देख के आने के बाद चला गया मैं डिनर करने, और डिनर करके आने के बाद अभी आ गया हूँ सोने। सो ऐसा रहा मेरा आज का दिन, और आई होप आप लोगों को मज़ा आया, आप लोगों ने इन्जॉय किया। सो मिलता हूँ किसी नए और एक्साइटिंग ब्लॉग में। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू डबल एंड डोंट ट्रेवल इन वड़ी इन सेंस, जस्ट स्टे एट होम, जस्ट बी हेल्दी, जस्ट वॉश योर हैंड एट रेगुलर इंटरवल एंड दैट्स इट। एंड आप लोग बताओ कि आप लोग का टाइम कैसे कट रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। सो सी यू सून।